भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर मंडल के प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज के सभागार में किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल के अलावा पार्टी के प्रदेश महामंत्री पंकज सिंह, उपाध्यक्ष उपेंद्र शुक्ल, जिलाध्यक्ष जनार्दन तिवारी, महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव, जितेंद्र वर्मा, पपलू सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सम्मेलन की शुरुआत अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। अपने संबोधन में पार्टी के प्रदेश महामंत्री पंकज सिंह और संगठन मंत्री सुनील बंसल ने कहा कि भाजपा सरकार सबका साथ सबका विकास के तर्ज पर काम कर रही है। नेताद्वय ने कहा कि सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुँचाने तथा सरकार बनाने में प्रबुद्ध जनों का विशेष योगदान होता है, इसलिए आप लोगों से अपील है कि 2019 में केंद्र में एक बार फिर से मोदी सरकार बनाने का काम करें। हम लोग के बीच में भारतीय जनता पार्टी के गोरखपुर क्षेत्र के यशस्वी क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिद्धी का आगमन हुआ है और इस मंच के माध्यम से उनका यशस्वी अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव जी का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। गोरखपुर जिले के यशस्वी अध्यक्ष थोड़ा पीछे दबे रकम बोलो पकड़ लेना। कार्यक्रम में बोलने का अवसर आज मुझे मिल रहा है। मैं प्रस्तावना के लिए इस कार्यक्रम के खड़ा हुआ हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कई महीनों से लगातार अनेक कार्यक्रम चलाकर भारतीय जनता पार्टी की हमारी केंद्र की सरकार और हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार जो आ रही योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चल रही है, इसके द्वारा इन सरकारों के द्वारा जनहित में क्या काम किए गए हैं यह हम सब लोग लगातार लोगों के बीच में लेकर जा रहे हैं। लोगों के साथ संवाद स्थापित करके, लोगों के साथ बातचीत करके, लोगों की क्या अपेक्षा है, लोगों ने क्या सपना देखा है, लोगों की क्या इच्छाएं हैं, वह भी हम सब लोग समझकर सरकार और संगठन के पास ले जाने का काम करते हैं। और मैं आज केंद्र की लगभग 5 साल की सरकार, अब 5 साल पूरा होने वाला है और उत्तर प्रदेश में भी लगभग हमारा 2 साल पूरा होने वाला है। मैं इतना पूरे विश्वास के साथ मैं आज कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने केंद्र में और प्रदेश में जो भी काम कर दिए हैं यह अपने आप में ऐतिहासिक है, इतना मैं पूरे विश्वास के साथ। देखिए, कोई आप सब लोग प्रबुद्ध जन यहाँ पर बैठे हुए हैं और आप सब लोग ही सच में एक माहौल आगे ले जाकर बनाने का काम करते हैं। लोगों के बीच में आप जिस तरीके जिस रास्ते पर समाज को लेकर जाना है, आप सब लोगों का प्रबुद्ध जन का समाज में बहुत बड़ा योगदान इसमें होता है और समाज में भी कहीं पर भी अगर कोई कमी हो तो सच में उस कमी को बांट कर कैसे समाज को एक साथ लेकर देश के विकास के लिए और भारत माता को और नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हम कैसे साथ चलें, यह अपेक्षा प्रबुद्ध जन से ही की जाती है। और आज हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित यही अपेक्षा सब लोगों से हमारी भी, हम सब लोगों की भी, कि हम सब लोग भी जो जहां पर भी कोई कमी लगती है उन सब चीजों को बांटते हुए और राष्ट्र के उदय के लिए,
देश को आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोग साथ में मिलकर एकदम राष्ट्रवाद की अपनी विचारधारा पर आगे बढ़ते हुए एक साथ कदम आगे बढ़ाने का काम हम लोग करेंगे। हम सबके सामने अभी ममता सरकार ने कुछ विषय जानकारी रखी है कि जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के प्रबुद्ध सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। हर कमिश्नरी में इस प्रकार का एक प्रबुद्ध वर्ग के साथ संवाद का यह कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है, जिसको प्रबुद्ध वर्ग कहते हैं। ये प्रबुद्ध वर्ग समाज का नेतृत्व करने वाला वर्ग है, समाज जीवन के हर क्षेत्र में काम करने वाले लोग। सामान्यतः वो अपने अपने वर्ग का अपने अपने क्षेत्र का नेतृत्व करते हैं। समाज जीवन में लोग उनकी बात सुनते भी हैं, मानते भी हैं, क्योंकि वो एक समाज में उनकी गिनती एक प्रबुद्ध वर्ग में होती है, इंटेलेक्चुअल में होती है। सामान्यतः ये जो वर्ग यहाँ पर बैठा है, जब ये कुछ बात कहते हैं तो लोग सामान्यतः आपके हमारी बात को सुनते हैं। राजनीति में एक शब्द है नेता का, यानी जो नेतृत्व तो करे वो नेता। कई बार मुझे लगता है कि हम सब भी यहाँ बैठे हैं, आप में से बहुत सारे शिक्षक हैं, अधिवक्ता हैं, सीए हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, हम सब भी अपने अपने अलग अलग क्षेत्र का नेतृत्व करने वाले लोग हैं, यानी हम भी अपने अपने ही क्षेत्र के नेता हैं। तो नेता का अर्थ केवल राजनीति में काम करना नहीं होता, नेता का अर्थ वह है जो नेतृत्व करे, ऐसा इस गोरखपुर क्षेत्र का अलग अलग समाज जीवन का नेतृत्व करने वाले सब लोग आज इस कार्यक्रम में आए हैं। इसलिए आप सबसे जो भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता होने के नाते मेरी और सबकी जो अपेक्षा है कि आने वाले दिनों में एक प्रबुद्ध वर्ग के नाते हम सब नीचे जनता के साथ लोगों के साथ मिलते हैं, तो उनके साथ एक ठीक प्रकार के संवाद के साथ भारतीय जनता पार्टी का विचार, भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं, हमारी सरकार की सब बातें वहां तक पहुंचे, इस अपेक्षा के साथ ये प्रबुद्ध सम्मेलन आज अपना यहाँ पर आयोजित हो रहा है। जैसे मैंने कहा कि समाज जीवन का नेतृत्व हम करते हैं, हम अगर अपने भारत का इतिहास उठा करके देखें या दुनिया का इतिहास उठा करके देखें, जहां कहीं भी समाज में परिवर्तन हुआ है, किसी भी देश और दुनिया के अंदर कहीं भी परिवर्तन हुआ है, कहीं पर भी कोई जन आंदोलन हुआ है, कहीं पर भी कोई क्रांति की शुरुआत हुई है, तो सबसे पहले ये क्रांति, ये परिवर्तन, ये जन आंदोलन, हम कोई भी नाम उसको दें, उसकी शुरुआत करने वाला समाज का हमेशा यह प्रबुद्ध वर्ग ही होता है जो इस प्रकार की क्रांतियों को, इस प्रकार की जन आंदोलनों को जन्म देता है। इसलिए आप जैसे जो प्रबुद्ध वर्ग आज यहाँ पर आया है, इसकी एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। उन सबके सामने मुझे जो कुछ विषय रखना है, मेरे मन में आता है कि आज हम फरवरी 2019 के अंदर जब बैठे, आज से 5 साल पुराना भारत अगर हम देखते हैं, हमारे स्वभावपुर से मन में 5 साल पहले का अगर भारत देखेंगे तो उस समय 10 साल की यूपीए की सरकार थी। पूरे भारत के अंदर एक निराशा का वातावरण था, लोगों के मन में असुरक्षा का भाव था, देश के अंदर सब तरफ भ्रष्टाचार घोटालों की गूंज दिखाई देती थी, लोगों के मन के अंदर एक प्रश्न था कि आखिर कब तक अपना देश इसी प्रकार से चलता रहेगा, आखिर हमारे देश में कब तक भ्रष्टाचार चलता रहेगा, आखिर हमारा देश कब तक यह असुरक्षित रहेगा। रोजाना आए दिन आतंकवाद की घटनाएं अपने देश के अंदर दिखाई देती थी, यानी देश के अंदर ऑल ओवर अगर हम देखेंगे तो एक निराशा का माहौल, एक असुरक्षा का माहौल, लोगों के अपने जीवन के बारे में क्वेश्चन मार्क था। एक आम आदमी को जीवन जीने के लिए इन 5 बातों की आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई और दवाई। लोगों के मन में प्रश्न था कि आज अपने देश की स्वाधीनता के बाद क्या एक आम आदमी को जीवन के जीने के लिए क्या हम 5 बातें दे पा रहे हैं, क्या ऐसे असुरक्षित और निराशा के माहौल के अंदर देश के सामने एक नेतृत्व आए। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर लोकसभा का चुनाव हुआ, देश की जनता ने मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया और पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश के अंदर सरकार बनी। आज तो सरकार को चलते हुए लगभग 4.5 साल पूरे हो गए, आने वाले दिनों में 1 महीने के बाद लोकसभा का चुनाव शुरू होने वाला। अगर 5 सालों की समीक्षा करें, अगर हम देखें तो मैं अगर चर्चा करूंगा तो लगभग 1.5-2 घंटा 3 घंटा ही एक सरकार की उपलब्धियों पर भाषण दिया जा सकता है। किस प्रकार से मोदी जी ने इस देश के
अंदर काम किया है, तो हम सबकी एक अपेक्षा थी कि देश को आज जैसा नेतृत्व चाहिए वैसा एक नेतृत्व देने का काम मोदी जी ने किया है।